मैं कोई मजहब देख के नहीं आया हूँ. मैं एक सॉलिडारिटी में बिलीव करता हूँ. जो भी विक्टिम्स सॉलिडारिटी हो. क्यों लगता है कि आपको उनसे अपना भाईचारा दिखाना चाहिए, उनसे सहानुभूति दिखानी चाहिए? देखिए, मैंने ये दिस इज नॉट माई फर्स्ट प्रोटेस्ट. मेरा पहला प्रोटेस्ट मैंने जिसमें मैं शामिल हो रहा हूँ. हाँ. जहाँ भी मुझे गलत लगता है मैं उसको गलत बोलता. आप जाते हैं? मैं जाता हूँ. अलग अलग सवालों अलग पे भी जाते हैं आप? एक्चुअली मैं आई एम फ्रॉम लैटिन अमेरिका. अच्छा. मुझे 1.5 साल पहले ही इंडिया आए हुए. पर जैसा मैं हाल देख रहा हूँ, बहुत ही बदला हुआ हाल देख रहा हूँ. मैं जब लैटिन अमेरिका में था तब भी मैंने बहुत सारे प्रोटेस्ट में. आप लैटिन अमेरिका के प्रोटेस्ट में भी हिस्सा लेते? जी जी. हाँ, इसको लेके जाते थे इसको? हाँ, मेरी एक बेटी भी है. अच्छा. तो मैं उनको लेके. भाई थक गया, सो गया. हाँ, अच्छा. तो इसीलिए जब भी मुझे कभी लगता है, मैं इसलिए अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाना चाहता हूँ, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत. दैट्स व्हाट आई वांट देम टू बिलीव. कई लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है. इतना भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं है, इतना भी ज़्यादा नहीं है जैसा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है. जैसे कोई IAS अफसर का बयान छपा था और कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, मीडिया उनको ओवर रिपोर्ट कर रहा है. देखिए, क्या नाम है, बढ़ा चढ़ा देखिए, पब्लिक है जो थोड़ी बहुत भी समझदारी रखती है, पता चल जाता है कि कितना ज़्यादा कितना कम. अब आप पब्लिक को बेवकूफ़ नहीं बना सकते. तो ये समझदारी तो पब्लिक में आ चुकी है. मेरा मैसेज यही रहेगा, क्या नाम है, अपने समाज को कि वो पॉलिटिक्स में ना, मतलब पॉलिटिक्स के पॉलिटिशियन के इसमें आके फंसे ना, जो वो क्या नाम है, जो भाईचारों को खराब करने के लिए जो इंस्टिल करते हैं, जो हेट्रेड पैदा करते हैं, उस पर ना बहकावे में ना आए. बस मेरा कहना यही है. बाकी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो पाकिस्तान से है, ऑस्ट्रेलिया से है, जब हम मिलते हैं हमारे बीच में कभी ऐसा डिबेट नहीं हुआ कि तुम खराब हो मैं खराब हूँ. हमने ऐसा कभी नहीं सोचा. ये जो भी मैं देखता हूँ मीडिया में देखता हूँ, हमें नफरत सिखाया जाता है मीडिया में, सिखाया जाता है. कुछ ऐसे मीडिया हाउसेज जो हम देखते हैं बहुत ही बायस है टुवर्ड्स दी राइटिंग और शोइंग, यू नो, टुवर्ड्स वन कम्युनिटी और टुवर्ड्स वन एजेंडा. तो इससे हम सोचते हैं कि हट के हम लोगों को सोचना पड़ेगा और एक स्टेप आगे आना पड़ेगा, जाना जाना पड़ेगा. बोलना जरूरी है, बोलना जरूरी. यू हैव टू, हमारा ओपिनियन रेज करना बहुत जरूरी है, भले वो गलत हो, यू हैव टू रेज ओपिनियन. मुझे आपकी बात से मुझे ये अच्छा लगा कि आप दूसरे देश में होते हैं, वहाँ भी सही गलत के सवाल को लेकर धरने प्रदर्शन में जाते हैं, और आप हिंदुस्तान लौट कर आए हैं तो यहाँ भी आप सही गलत के सवाल को लेकर, और अपने इस उमस भरी गर्मी में आप इसको ले आए हैं. लेकिन अच्छी बात है कि इसे नींद अच्छी आ रही है, तो मतलब इसको शायद भरोसा होगा कि उसका बाप अच्छा काम कर रहा है, उसके लिए अच्छा समाज बना रहा है, तो वो अभी सो सकता है. आपसे, आप कहाँ से आए हैं? मैं तो दिल्ली से ही हूँ. दिल्ली से ही हैं? दिल्ली में कौन से मोहल्ला से? मैं हरिनगर में रहता हूँ. हरिनगर में रहते हैं, अच्छा. आपको, आप भी इसी में आए हैं इसमें लेकर, क्यों आपको लगता है कि, क्या आप पहले भी इस तरह के प्रदर्शनों में आए हैं? पहले आता रहूं. अच्छा. मतलब जैसे इस टाइम का भी जो अराजकता का माहौल हो रखा है, इसमें जो सरकार के खिलाफ बोलने का मतलब होता है देशद्रोही, ऐसे तमगा लगा दिया जाता है. तो एक गुस्सा है मन में. क्या आपने कभी कोई फेसबुक पर सरकार पर सवाल करते हुए लिखा, या लिखते हुए आपको डर लगा कि लिख देंगे तो फिर देशद्रोही बोले? मैं कभी नहीं डरता, हालांकि मेरे घरवाले मुझे बोलते हैं. अच्छा, वो बोलने लगे हैं? वो बोलते हैं कि आप ऐसा मत लिखा करो, कोई आपके पीछे पड़ जाएगा, लेकिन मुझे डर नहीं लगता. घर वाले बोलते हैं, इसका मतलब उस डर का सोशलाइजेशन हो रहा है ना. आप लिखना चाहते हैं तो 10 लोग सलाह देता है कि मत करो, आपके साथ होता है तो आप, लेकिन फिर भी लिखते हैं? लिखते हैं. आपको लगता है कि ये लिखना बहुत जरूरी है अपने दोस्तों के बीच में भी, चाहे सभी लोग खामोश रहेंगे तो फिर न्याय के खिलाफ कौन बोलेगा? अगर डर की वजह से सभी लोग खामोश हो जाएंगे तो फिर तो इस देश का भविष्य क्या है? क्या आप, आप कहाँ से आए सर? मैं यहाँ चावड़ी बाजार से आया. चावड़ी बाजार से आए, तो वहाँ अपना, आपकी दुकान है? मेरा व्यापार छोड़ के GST के खिलाफ विरोध में नहीं है अभी? नहीं, अभी तो देश ही डार्क नजर आ रहा है. डार्क, इसका कोई फ्यूचर ही नहीं है. जब नॉन एबल लोग गवर्नमेंट चलाने वाले हैं, कोई भी क्वेश्चन रेस करो तो आप कांग्रेस है या अरविंद केजरीवाल के प्रो समर्थक हैं, ये बातें करके आपकी आवाज बंद कर दी जाती है. बीइंग एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, इट इज माई राइट टू डायरेक्शन टू गिव माई ओपिनियन. ओपिनियन आपको भी लगता है कि जब आप ओपिनियन देते हैं तो आपको यार दोस्त मना करने लगे हैं? करते हैं बिल्कुल. कितने लोग हैं जो आप लोग लिखना चाहते हो तो आपके यार दोस्त या घर वाले मना करते हैं यहाँ पे कि मत लिखो?
सभी का यही हाल है, सभी का यही हाल, सभी का यही हाल है, सभी सलाह देने लगे हैं, डर का। आप सरकार के सपोर्ट में ही लिखो ना, गुणगान करो, भजन करना भी बुरी बात नहीं है, भजन ही कीजिए। कैसे गुणगान करें जो संविधान जब हमें इसकी इजाजत नहीं देता है कि वो गलत कर रहे हैं। एक समाज का ये आईना दिखाया जा रहा है कि उसमें आपस में भाईचारगी को ख़त्म किया जा रहा है, एक जानवर के ऊपर इंसान को कत्ल करवा दिया जाता है, भीड़ कत्ल कर देती है किसी को भी। अभी यहाँ पर भी बल्लभगढ़ में भी ये हादसा पेश आया, उससे पहले बहुत सारे हादसे करवा चुकी है, स्टेट गवर्नमेंट भी उनकी है, सेंटर भी उनका है, वो उनकी बगैर छह के वो काम कभी नहीं हो सकता। क्या समाज को बनाना चाहते हैं, क्या समाज को आईना दिखा रहे हैं? सरकार अच्छा काम करेगी तो हम सपोर्ट भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। आप सपोर्ट भी करेंगे, सरकार अच्छा काम करेगी, हमारा भाईचारा नहीं तोड़ेगी तो हम सपोर्ट भी करेंगे। आपका सवाल भाईचारा तक सीमित है, आप भाईचारा मत तोड़ो, जो करना है करो, आप भाईचारा को रहने दो, है ना। सबसे बेस्ट चीज हमारे देश की जो है वो भाईचारा ही है। क्यों आपको लगता है ये बेस्ट चीज है? सबसे बेसिक चीज है हमारी सोसाइटी की। आजकल लोग बताते हैं ये भाईचारा की बात करना ये कमजोरी की बात है, कमजोरी की बात नहीं। आप ये बताइए, हम घर से निकल रहे हैं तो हमें ये नहीं पता कि हमारी मौत कब आ जाए। ट्रेन ही सबसे सिक्योर चीज होती है, जहाँ पर मतलब माइक में आवाज दी जाती है कि यात्री अपने सामान का मतलब समय सुरक्षित रखें। हाँ। आप इंसान सुरक्षित नहीं है वहाँ पर। अभी सर हम डरेंगे नहीं कभी भी, बात पक्की है, चाहे कुछ भी कर ले हम डरेंगे नहीं। ये बात सही है। हाय हेलो मैम, पर आप लोग कहाँ से आई हैं? हम लोग अपने पर्सनल तौर पे आए हैं, लेकिन हम सब एक ऑफिस में काम करते हैं। काम करते हैं। क्यों जरूरी लगा आपको कि आना चाहिए? खामखा मतलब वीक डे है, नौकरी कीजिए घर जाइए, क्यों क्यों आने के लिए आप मजबूर हैं? क्योंकि हमारा देश का और देश का जो संविधान है उसका मजाक बनाया जा रहा है और हम उसके खिलाफ इकट्ठा आए हैं, और ये दिखाने के लिए कि 2019 आएगा और तब हम ही से वो वोट मांगने आएंगे, तो हम ये सारी चीजें ये सारे मुद्दे याद रखेंगे, इतनी जल्दी भूल नहीं जाएंगे। क्यों आपको आप कह रहे हैं कि याद रखेंगे, इतनी जल्दी भूल नहीं पाएंगे? मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो लोग जमा हुए, शिवम विज ने एक लेख लिखा हफिंगटन पोस्ट में कि उनको किसानों को लेकर आना चाहिए, सवाल पर आना चाहिए, अर्थव्यवस्था के संकट पे लेकर प्रदर्शन करने चाहिए, वरना इस तरह के प्रदर्शनों से उनकी राजनीति को फायदा हो जाता है। आप सहमत हैं? सहमत हूँ और कुछ हद तक नहीं, क्योंकि हमें आगे आना चाहिए। हम सोचते ही रह गए कि कैसे आना चाहिए, तब तक तो 2019 आगे चला भी जाएगा, और एटलीस्ट हम अभी एकजुट होके सामने आए, फिर बाद में जो जो मुद्दे वो उठाएंगे हम उन मुद्दों के साथ है। तो आपको आप तक जब ये खबरें पहुंचती हैं कि कोई गंगेश कुमार को झारखंड में उत्तम कुमार को मार दिया गया, या फिर जुनैद के साथ जो हुआ, तो आपको लगता है कि आप परेशान होती हैं इन सभी? तो आप सोशल मीडिया पे लिखते समय आपको कोई डर लगता है? कोई दोस्त यार कहते हैं कि बहुत हो गया, कम कमेंट करो? हमारे घर से हमें बोला जाता है इतना मत लिखो, घर से बोला जाता है। तो ये परवरिश का हिस्सा हो गया हमारे देश में कि कम बोलो, है? हाँ, ये मैं कई लोगों से ये मैं पूछ रहा हूँ कि ये पालने बड़े करने का है कि आप कम बोलो, आप जैसे शाम में मत निकलो तो बोलो भी कम, लिखो भी कम, मतलब अब हम इस लेवल पर आ गए हैं। फिर बोल कहा जाएगा कि घुटने के बल चला करो, पाँव पे मत चलो। लेकिन आपको ये सलाह दी जाती है दोस्तों में, फैमिली के भीतर भी, कि कम बोलो। उनको क्यों लगता है कि बोलने से ये डर क्या है? क्या डर है उनको? अगर हम डर गए तो हम मर गए। आप नहीं डरती हैं? आपको सचमुच डर नहीं लगता है? कुछ हद तक अगर डर भी लगे तो भी हमें उस डर को जीत कर यहाँ आना है। तो आप कभी इस तरह के प्रदर्शन में आई थी? आती रही, पहले आई हूँ, लेकिन ज्यादातर प्राइड मार्च के लिए या इस तरह का प्रदर्शन शायद ये पहली बार है। एक बार भोपाल ट्रेजेडी के लिए, तो ऐसा नहीं कि मुद्दे अलग अलग हैं, सारे मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम यहाँ पे अपने अधिकारों के लिए और अपनी फ्रीडम के लिए आए हैं। और आप क्यों आप किनारे चले गई? क्या आपको भी लोगों ने डराया है कि टीवी वाला ज्यादा पूछे तो कैमरे में नहीं आना है, फेसबुक पे नहीं आना है, ऐसा हुआ है? हाँ, ये एक एनवायरनमेंट बन गया है एक डर का। जैसे नंदिनी की तरह हम लोग कॉलीग्स हैं, तो नंदिनी की तरह मुझे भी मेरे पेरेंट्स बोलते हैं, मेरे दोस्त बोलते हैं कि अपना ओपिनियन इतना ओपिनियनेटेड होने की जरूरत नहीं है, आजकल के एनवायरनमेंट में सेफ नहीं है। तो ये एक डर है लोगों में, और औरत होने के नाते और भी है कि वैसे ही एक दिल्ली को सेफ माना नहीं जाता है, आप और एक ओपिनियनेटेड औरत बन रहे हैं तो वो और भी उससे भी समस्या है। तो क्या आपको लगता है कि आप अपने डर से बाहर आने के लिए यहाँ आई हैं? नहीं, वो नहीं बोल रही हैं, वो तो कह रही हैं कि वो नहीं डरती हैं।
अच्छा एक बिल्कुल ठीक है। इससे पहले कि हम लोग भीगने लगे, फिर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप आई हैं कि अपने डर के खिलाफ भी आई हैं? डर नहीं है, क्योंकि हम लोग एक विमेंस राइट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, एक फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, सो ऑलरेडी एक कॉन्शियस चॉइस है एक सर्टन ओपिनियन का होने की और एक सर्टन ओपिनियन का होने की और एक सर्टन आइडियोलॉजी का होने की, इसलिए हम जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं और इसलिए हम यहाँ आए हैं। आपको लगता है कि ये बोलना जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल, ये एंगेजमेंट जरूरी है एक हमारे ग्रुप में, यू अमंगस्ट द यूथ, अमंगस्ट विमेन, अमंगस्ट मेन, ये एंगेजमेंट, ये बात करना, ये बातचीत करना फैमिली के साथ, सबके साथ। विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे ना तो एकदम धर्मनिरपेक्षता को लेकर श्रद्धांजलि देने आएंगे यहाँ पर। आखिर ये कौन लोग हैं? ठीक क्या कहा आपने, अगर हम ये छोटे छोटे विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे तो एकदम धर्मनिरपेक्षता को लेकर श्रद्धांजलि सभा करने आएंगे यहाँ। आपको लगता है इतना सब कुछ बिगड़ जाएगा? बिल्कुल, लोग सलाह देते हैं आपको कि मत लिखो, लोग इस तरह से रिएक्ट करेंगे, कम लिखो, लिखने की क्या जरूरत है? नहीं ऐसा तो नहीं, आपके आसपास नहीं, नहीं मतलब घर पे हाँ, मम्मा पापा को थोड़ी चिंता होती है कि ये लिखने लगी हाँ, है तो शायद यही डर का धीरे धीरे घरों में विस्तार होता चला जाएगा और फिर लोग को चुप होना उनकी सोशल कंडीशनिंग या सामाजिक परिवेश का हिस्सा बनता चला जाएगा। कैसी हैं आप? I'm a big fan of you. Thank you, ma'am. आपने जर्नलिज्म को जिंदा रखा हुआ इंडिया में अगर आज है। ये सब मत गई है। नहीं नहीं बहुत और लोग भी होंगे बट यू आर वन ऑफ ये आप क्यों लिख के लाए हैं कि हाँ मैं मुस्लिम हूँ मुझे मार दो? मैंने लिखा है, मैं देख रहा हूँ पिछले 3 साल से ना हाँ। ये देश में अजीब तरह की घटनाएं हो रही हैं जो पहले कभी देखने को नहीं मिली है हाँ। ट्रेन में एक अकेले आदमी को पकड़ा, उसको मार दिया, किसी के घर में घुस के उसके खाना चेक किया, उसको मार दिया, पहलुखान को मार दिया, तो ये अजीब तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, एक तो मुजरिम को मारा जाता था पर अब ये बेकसूरों को जो मारा जा रहा है पिछले 3 साल में, अजीब तरह का ही हिंदुस्तान तैयार कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। और अब ये जो वो लोग हैं जो बच्चे हैं वो 15 साल से लेकर 20 साल तक के न्यू जनरेशन जिनको इन्होंने तैयार किया है, मेरे को चिंता लगी है इस बात की कि वो न्यू जनरेशन अब से 15 साल बाद जब वो यंगेस्ट में आएंगे और सोचने समझने की जब उनको शक्ति होगी तो वो किस तरह का हिंदुस्तान तैयार होगा, वो आपकी क्या चिंता में ये है? मेरे को बहुत आप इसे लोगों को आप वो कह रहे हैं हाँ मैं मुस्लिम हूँ मुझे मार दो, मतलब आप प्रोवोक कर रहे हैं कि आप सोचो इसको लगे कि हम किस हद तक पहुँच गए, हम किस हद तक पहुँच गए, हम क्या कर रहे हैं। देखिए एक तस्वीर भी है जो एक मुस्लिम रो रहा है, उसके आंख से आंसू निकल रहे हैं खून के हिंदुस्तान में उसको किस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, उसको क्या समझा जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है। ये पिछले 3 साल से ऐसी घटनाएं हो रही है, राजनीति होती थी पहले भी, पिछले 60-70 साल से राजनीति हो रही है देश में, 200 साल से राजनीति होती चली आ रही है, बट इस तरह की राजनीति एक न्यू तरह की राजनीति किसी को पकड़ा। मैं साहिबाबाद से आया हूँ, साहिबाबाद से शब्बीर मलिक मेरा नाम है। तो आप आते जाते रहे प्रदर्शनों में? नहीं मैं पहली बार आया, पहली बार आया हूँ और मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा है आंखों में, खून है इस बात का कि ये खून नहीं होना चाहिए, खून के जवाब में आंखों में खून नहीं होना चाहिए। किस तरह का हिंदुस्तान तैयार कर रहे हैं ये, किस तरह का हिंदुस्तान तैयार कर रहे हैं ये, क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं हिंदुस्तान को, क्या बनाना चाहते हैं ये, सीरिया बनाना चाहते हैं, इराक बनाना चाहते हैं? ना सीरिया बनेगा ना इराक बनेगा, क्या बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को? पाकिस्तान तो जरूर बन जाएगा, नहीं बनेगा वो भी नहीं बनेगा, किस तरीके का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं? पाकिस्तान भी नहीं बनेगा, हम बड़े मजबूत लोग हैं, कैसे बन जाएंगे किसी के बनाने से?